अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अरुशे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ज़बरदस्त और एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनाना चाहते हैं उनके लिए एक हेल्पफुल वीडियो जो है साबित होगी ये, क्योंकि मैंने इसको बड़ी मेहनत से जो है इसको कंप्लीट किया है और मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह आप इसको कम्प्लीशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नहायत आसान तरीके से। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन, जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों मैंने तीन फॉर्म्स बनाए हुए हैं, फॉर्म वन है, फॉर्म टू है, फॉर्म थ्री है। सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँगा नंबर वन पे फॉर्म वन। फॉर्म वन पे अगर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, अगर कोई भी आप विंडोज़ में एप्लीकेशन बनाते हो तो विंडो के अंदर जो है फॉर्म को जो है आप सेलेक्ट करते हो। फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद जो है उसमें डिफरेंट जो है, अब जैसे मैंने यहाँ पे व्यूज़ के अंदर जो है टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स को जब आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें यह है कि आप अपने तौर पे भी अगर थोड़ी सी नॉलेज है, नो हाउ है, तो आप इजीली तौर पे क्रिएट कर सकते हो किसी भी फॉर्म को। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। सबसे पहले मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया, लॉगिन फॉर्म के अंदर जो यहाँ से ही मैंने जो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है वो यहाँ से आप ले सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो आप क्रिएट करोगे टूल बॉक्स से, आप स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म है, जैसे लेबल मैंने यूज़ किया है, डेट लिया है, ये सारे टूल बॉक्स से ही मैंने यूज़ किया है। इमेज को मैंने सेलेक्ट किया है, इमेज भी आप उठा सकते हो गूगल पे जाके सर्चिंग करके और एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो एक फॉर्म के अंदर। और ये आपके जो है टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जो कि अभी मैं रन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है डेमो दिखा रहा हूँ। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसके थ्रू जो है आप प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्शन करके यहाँ से इसकी जो भी विड्थ हाइट है, और यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक बटन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये फॉर्म वन है। और फॉर्म टू पे अगर हम आते हैं, फॉर्म टू पे मैंने क्रिएट किया हुआ है लॉगिन फॉर्म, सॉरी फॉर्म टू पे, फॉर्म टू पे जो मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी जब आप लॉगिन करके आते हो तो लॉगिन के बाद जो है आपका जो फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म पे आता है, कन्वर्ट होता है। और ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसमें आप ये है कि इजीली तौर पे नेम, क्लास, सिटी, एड्रेस, यानी फोर लेबल्स, ये फोर लेबल्स हैं और यहाँ पे चारों जो हैं फोर जो हैं इसमें जो है आपके डिफरेंट जो है टैक्स बॉक्सेस हैं। और इस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो है आप इनपुट ले सकते हैं, और इसके अलावा जो ऐड न्यू करोगे, सेव एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। अभी मैं आपको जब रन करूंगा तो उसको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है आप इसको जो है रनिंग कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डिफरेंट जो मैंने लेबल्स को शो किया हुआ है, बटन सारे यूज़ किए हुए हैं, ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू के थ्रू जो है हम यहाँ पर डेटा सोर्स यानी डेटाबेस भी है, डेटाबेस जो कि मैंने SQL सर्वर में यूज़ किया हुआ है, बाइंडिंग सोर्स के थ्रू जो है मैंने डेटा को यहाँ पे पिक किया हुआ है। तो बाइंडिंग सोर्स है, तमाम जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इसको आप बाइंड करोगे, और बाइंडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है आपको अवेलेबल होगा, आप इसको बाइंड कर सकते हो।
बहुत ही शॉर्ट वे कोडिंग है जो कि यहाँ पे सिर्फ जो है मैंने, यानी जब क्लोज करेंगे फॉर्म तो हम लास्ट में, अगर फर्स्ट पे जाना चाहते हैं फर्स्ट पे आ जाएंगे, लास्ट रॉ पे आना चाहते हैं तो लास्ट का बटन प्रेस करेंगे तो लास्ट पे आ जाएंगे, प्रीवियस जाना चाहते हो तो प्रीवियस भी आप जा सकते हो, और इसके अलावा जो लास्ट जो ऑप्शन है वो क्लोज का है, तो जब आप क्लोज करते हो तो ये मैसेज आता है थैंक यू, और ओके करते हैं तो फिर ये आपका जो जो आपका जो प्रोग्राम है वो वाइंड अप हो जाता है, यानी थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप। तो लास्ट जो फॉर्म है ये हमारा यहाँ तक था। तो मैंने एक सिंपल सा डेमो आपसे शेयर किया है जो कि आप अगर सेल्फ तो यानी सेल्फ वे में अगर अपने तौर पे अगर आप चाहें लर्निंग करना तो आप विंडोज़ फॉर्म जो कि बहुत ही नहायत ईजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आई होप डेट कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ये कि दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।